सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए एजीमेक्स 100 एमजी रेडीमिक्स ओरल सस्पेंशन। एजीमेक्स 100 रेडीमिक्स ओरल सस्पेंशन का क्या यूज है, कब इसको यूज करना चाहिए, कितने दिन तक यूज करना चाहिए, ये यूज करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए और ये किस प्रकार काम करता है, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर और जनरल फिजिशियन डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, तो एजीमेक्स 100 रेडीमिक्स ओरल सस्पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं एजीमेक्स 100 रेडीमिक्स ओरल सस्पेंशन, जो कि हमारे पास 15 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 43.35 यानी कि 43 रुपये के करीब इसकी MRP है। एजीमेक्स 100 रेडीमिक्स ओरल सस्पेंशन को इप्का लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। एजीमेक्स 100 रेडीमिक्स ओरल सस्पेंशन के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया है जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन 100 एमजी सिरप्स। एजीमेक्स 100 एमजी रेडी सिरप्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल टॉन्सिल, साइनस, कान, नाक, गले, तपसा और फेफड़ों यानी कि न्यूमोनिया के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इलाज में किया जाता है। सरल भाषा में बताया तो अगर आपके बच्चे में गले में कुछ खराश है या गले में कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो उसको ठीक करने के लिए सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका डोज और ड्यूरेशन अपने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर की देखरेख में करें। एजीमेक्स 100 एमजी सिरप्स अगर आप कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल करें, यानी कि अपने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर की देखरेख में नहीं करें और कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल करें तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके बच्चे में, जैसे कि बच्चे को आपको उल्टी हो सकती है, मिचली आना हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है या उसका सिर दर्द हो सकता है या उसको सिरसिरापन लग सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एजीमेक्स रेडीमिक्स सिरप्स का इस्तेमाल अपने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर की देखरेख में करें। एजीमेक्स 100 एमजी सिरप्स किस प्रकार काम करता है? एजीमेक्स 100 एमजी सिरप्स के अंदर जो दवाई देती है कि एजिथ्रोमाइसिन, वो एक एंटीबायोटिक्स दवा है। यह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक अनिवार्य प्रोटीन के संश्लेषण में हस्तक्षेप करके काम करता है। ऐसा करने से इन्फेक्शन के कारण होने वाले बैक्टीरिया को आगे बढ़ने से रोकता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। एजीमेक्स 100 रेडी सिरप्स ओरल सस्पेंशन आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। एजीमेक्स 100 रेडी मिक्स सिरप्स को यूज करने के पहले अपने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस ले बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से सिर्फ का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो एजीमेक्स ओरल सस्पेंशन के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। एजीमेक्स 100 एमजी सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।